हेलो स्टूडेंट्स, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट नंबर 9, जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किस प्रकार का कानून माना जाता है? एक छत्र कानून, एक खिड़की कानून, एक टोकरा कानून या एक छतरी कानून? तो चलिए स्टूडेंट्स इसका फटाफट से जवाब देंगे। तो स्टूडेंट्स, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक छतरी कानून के रूप में माना जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अन्य वीडियो के भी लिंक दिए हैं, आप वहाँ से जाके भी अन्य यूनिट्स के क्वेश्चन अपने तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव संबंधी समस्याओं में कमी लाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, अम्लीय झीलों में चूना डाला। ऑप्शन बी, धूम्रचीनी की ऊंचाई बढ़ाना, चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना। ऑप्शन सी, अम्ल रोधी फसलें उगाने को बढ़ाना, बढ़ावा देना। और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना। तो स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा और अम्ल जमाव संबंधी समस्याओं में कमी लाने के लिए हमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लानी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, इससे जो पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक छतरी कानून के रूप में माना जाता है, इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय हैं और 26 सेक्शंस हैं, सॉरी, ठीक है, 6 सेक्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपोषक विकास का लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG निम्न में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? ऑप्शन है 2025 तक, ऑप्शन बी 2030 तक, ऑप्शन सी 2035 तक और ऑप्शन नंबर डी 2040 तक। तो स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर जानते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, SDG और MDG से संबंधित। तो स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक पाने का इसको लक्ष्य रखा गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? ऑप्शन ए 1 गीगावाट, ऑप्शन बी 5 गीगावाट, ऑप्शन सी 10 गीगावाट या ऑप्शन डी 15 गीगावाट। तो क्वेश्चन का जवाब देंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का कौन स्टूडेंट जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। और स्टूडेंट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं, भारत सरकार द्वारा लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक
पावर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 5 गीगावाट का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी जल संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। तो स्टूडेंट क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो स्टूडेंट्स फटाफट से बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण केंद्र के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिए गए हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, तो चलिए ऑप्शन जानते हैं क्या क्या है। चिपको आंदोलन दिया है, विश्नोई आंदोलन दिया है और अपिको आंदोलन दिया है, और सूची दो में स्थापना अवधि 1983, 1973 या 1730। तो ये बताने हैं कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ था आपको, स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से बताएंगे कि चिपको आंदोलन कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही बिश्नोई आंदोलन कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं अब इसके सही आंसर के बारे में। तो स्टूडेंट्स चिपको आंदोलन हुआ था सन 1973 में, यानी कि ए ऑप्शन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। बिश्नोई आंदोलन हुआ था सन 1900 सॉरी बिश्नोई आंदोलन हुआ था 1730 में, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सूची दो में थर्ड। और अपिको आंदोलन हुआ था 1983 में, अर्थात सी ऑप्शन का सही आंसर होगा वन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं किसके संरक्षण में हुआ था। तो चिपको आंदोलन सन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में हुआ था, और चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन सन 1973 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में वनों और वृक्षों के संरक्षण के लिए किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन हुआ था स्टूडेंट्स सन 1730 में, और ये राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा, ये भी वनों के संरक्षण से संबंधित है। और नेक्स्ट है आपका अपिको आंदोलन, अपिको आंदोलन भी वनों के संरक्षण से संबंधित है, और अपिको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था, इसको कर्नाटक का चिपको आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है 1983 में, और युवक मंडली के अंतर्गत हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और स्टूडेंट यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार? बड़े ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत
पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए की भेंट राशि प्रदान की जाती है। स्टूडेंट यदि आपने चैनल को तब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अपने सभी ग्रुप्स में, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहां जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएन प्रोफेशनल क्लासेस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू अगेन।